हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं साउथ इंडियन डिश इडली और नारियल की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल ये हर घर का प्रिय डिश हो गया है, तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 1 किलो इडली बेटर और कुछ नारियल। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोल्ड को ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पे हमने इडली मोल्ड लिया है और इसमें 1 ड्रॉप तेल डालते हुए इसे ग्रीस कर लेना है। अब हम सभी मोल्ड में बेटर भरेंगे। हमें 1-1 चम्मच बेटर लेना है और हर एक मोल्ड में मोल्ड से थोड़ा सा कम बेटर डालना है, क्योंकि फूलने के बाद अपनी मोल्ड भर जाती है। तो आप ध्यान रहे, पूरा मोल्ड कभी मत भरिए, क्योंकि अगर अच्छी सी बेटर बना हो तो इडली अपनी डबल फूल के हो जाती है। तो मैं बनाते बनाते आपको बेटर बनाने की विधि भी बता दूंगी। इडली बेटर बनाने के लिए हमें 2 कटोरी चावल लेना है, 1 कटोरी उड़द दाल लेनी है। दाल और चावल को हमें 8 घंटे पहले भिगो देना है। दाल को अलग पीस लेना है और चावल को अलग पीस लेना है, और दोनों को मिक्स करके हमें 6 घंटा के लिए उसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। तो ध्यान रहे, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर अच्छा हो तो 4 घंटे में भी फर्मेंट हो जाता है। अगर ठंडी का सीजन हो तो फर्मेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद हम ये बेटर तैयार कर लेते हैं और इसका हम मोल्ड में भर के इडली बनाते हैं। तो आपको हमने बेटर बनाने का विधि भी बता दिया। चलिए हम इसे अब गैस की तरफ ले चलते हैं। गैस पे हमने इडली मेकर में पानी उबलने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे हमने पहला मोड़ है वहां तक पानी डाला है। पानी में उबाल आ गया है। अब हम इस ट्रे को शिफ्ट कर देंगे जिसमें हमने इडली का बेटर भर के रखा है। कवर करके इसे हम 15 मिनट तक पका लेंगे और फिर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी। जब तक अपनी इडली बन रही है, तब तक हम नारियल की चटनी बना लेंगे। तो हमें मिक्सर जार में हरी मिर्च डाल लेना है। नारियल को हमें छोटे छोटे पीसेस में करके डाल देना है। आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेटर से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन छोटा पीस भी होता है तो अच्छे से चटनी बन जाती है। हमने सभी नारियल को टुकड़े में कर लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे ढक्कन लगा के हम बारीक चटनी पीस लेंगे। हमने चटनी को फाइन पीस लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। चलिए, अपनी चटनी तैयार हो गई। हम तड़का की तैयारी कर लेते हैं। तड़का तैयार करने से पहले अपनी इडली चेक कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अपनी इडली कितनी अच्छे से फूल चुकी है। तो ये 15 मिनट में परफेक्ट पक जाती है। अगर आपको डाउट है तो चेक कर लीजिए। एक नाइफ की मदद से आप इडली को गोंद लीजिए। अगर बेटर नहीं लगता है तो समझिए कि अपनी इडली परफेक्ट पक चुकी है। तो चलिए इसे हम डिमोल्ड कर लेते हैं और तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़का बनाने के लिए हमने एक तड़का पैन में 1 चम्मच तेल डाल लिया है। तड़के में हम सबसे पहले राई डालेंगे, हम 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा उड़द दाल डाले हैं, सबसे लास्ट में हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और अच्छे से इसे तड़का लेंगे। थोड़ा थोड़ा हमें हिलाते रहना है। तो अपनी ये तड़का चटनी के लिए तैयार हो चुकी है। चलिए हम चटनी की तरफ चलते हैं। अब हमें धीरे से चटनी पे तड़का डाल देना है और 1 चम्मच की मदद से तड़के को मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही टेस्टी अपनी इडली के लिए नारियल की चटनी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया इडली और नारियल की चटनी बनाना कितना आसान है। फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।